देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को खुशी का सलाम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज मैं जो अमल लेकर आई हूँ, ये अमल आपने चांद रात को करना है, मतलब जब ईद का चांद नजर आ जाए तो आपने ये अमल करना है और इस मौके को खोना नहीं, क्योंकि ये रात भी बहुत ही फजीलत और बरकतों वाली रात होती है। ज्यादातर देखा गया है जब ईद का चांद नजर आता है तो मोस्टली लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं, इधर उधर फजूल कामों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और ये गोल्डन मौका खो देते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये मौका ना खोएं और जो मैं अमल आपको बता रही हूँ आप करें इंशाल्लाह। इस अमल की बरकत से, इस रात की बरकत से अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएगा और आपकी नेक और जायजात पूरी फरमाएगा। अमल शुरू करने से पहले मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत बात शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक में है, बंदे का रोजा आसमान और जमीन के दरमियान रुक जाता है जब तक सदकाए फितर अदा ना करे। सो डियर, आप इस बात का ख्याल रखें कि चांद निकलने से पहले आप अपना सदकाए फितर अदा कर दें तो बेहतर रहेगा। सो गाइस, ये अमल आपने ईद का चांद नजर आने पर करना है। इस अमल की बरकत ये है कि आपके रिजक में बरकत होगी, परेशानियों से निजात होगी और आपकी हाजात पूरी होंगी, आपकी दिली तमन्नाएं पूरी होंगी। बहुत सिंपल और इजी सा वजीफा है, लेकिन है बहुत मुजरब और पावरफुल। यह वजीफा कुरान पाक की सूरत पर मुश्तमिल है। 30वां पारा सूरत अलम नशरा आयत नंबर 5 से 6 पढ़नी है और ये आपने 41 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो आपने दुरान अमल करते हुए दिल में नियत रखनी है कि अल्लाह पाक आपके रिजक में बरकत अता फरमाए, परेशानियों से निजात अता फरमाए और आपके जो भी हाजात है वो आपने अपने दिलो दिमाग में रखनी है। उसे नियत के साथ वजीफा या अमल मुकम्मल होने के बाद आपने खुशू दिल और साफ नियत से दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक इस रात के सदके से, इस प्यारी और खूबसूरत आयात के सदका से आपकी तमाम परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा देगा। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का हिस्सा यहीं पर होता है। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।